ये है NewsNib डिजिटल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं NewsNib एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या मामला आपके जमीन का? अरे हमारे ज़मीन का मामला है कि हमारे माता जी के नाम से ज़मीन है और वो लोग जो है भू माफिया में सब लोग सम्मिलित है। उसमें CO हैं पंकज कुमार और कर्मचारी है सफदुल्ला रहमानी कर्मचारी है और एक राजेश कुमार नाम के लड़का से उसके दादाजी के नाम से रसीद जल्दी काट दिया है। वो जो है ज़मीन हम लोग 1961 का ज़मीन खरीदा हुआ है और ये जो है अपना से गलती करा करके स्टेट 2 से मेरा पन्ना फाड़ करके और जो है ये अपना नाम करवा लिया है। रसीद की कॉपी हमारे पास 61 से लेकर के सभी रसीद हमारे पास है। 83 वाला रसीद हमारे पास है लेकिन पहले वाला भी रसीद हमारे पास भी है, पुराना है जो है। हाँ, इस मामले में हम CGM के यहाँ केस दर्ज किए हैं कि हमको जो है हमारा हक मिल सके, हमारा अधिकार हो सके। इसके लिए हम लोग कोर्ट से क्या आदेश प्राप्त हुआ है? कोर्ट से आदेश हुआ है कि थाना में SP साहब के थ्रू थाना में जाए और उन लोगों पर FIR दर्ज हो और उन लोगों को सजा मिले, यही हम चाहते हैं। सुबोध कुमार के ज़मीन पर क्या मामला है? सुबोध कुमार की माता के नाम पर उन लोगों ने एक निबंधित बैनामा 21/3/1961 के द्वारा खाता नंबर 307 प्लॉट नंबर 882/815 थाना नंबर 284 तौजी नंबर 4049 मऊजा दहियामा में 14/5 धूप ज़मीन हासिल की, जिसके ऊपर जमाबंदी भी कायम हुआ, जिसका जमाबंदी संख्या 83 और वर्ष 88-89 तक उस पर रेंट रिसीट भी इन्होंने सरकारी लगान भी जमा किया। इधर ब्लॉक के छपरा सदर ब्लॉक के अंचलाधिकारी पंकज कुमार, राजस्व कर्मचारी सैफुल्ला रहमानी एवं भू माफिया राजेश कुमार ने मिलकर गलत नियत से रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ दिया और एक नया जमाबंदी राजेश कुमार के दादा के नाम पर कायम कर दिया, जिसका जमाबंदी नंबर 112 कायम किया और रेंट रिसीट भी काट दिया, जबकि कोई भी डॉक्यूमेंट खराब बर्बाद हो जाती है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कंसर्न व्यक्ति को सूचना देना है। कंसर्न व्यक्ति यदि सूचना देने के लिए उसका नाम पता उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए उनको पेपर में इश्तहार करना चाहिए था कि ऐसा का जमाबंदी कायम नहीं कर रजिस्टर 2 का पन्ना फट गया है। यदि किसी का क्लेम है तो वह क्लेम अपना ले आके न्यायालय यहाँ जमा करे और उसका तहकीकात करने के पश्चात नया जमाबंदी कायम करना चाहिए था, जो कि CO ने सदर ब्लॉक के अंचलाधिकारी सैफुल्ला रहमानी के मेल में आकर ये काम नहीं किए। इसके ऊपर सुमोध कुमार ने आज एक न्यायालय में एक मुकदमा दाखिल किया था, जिसका इस्तगासावाद संख्या 1820/19 था, जिसको आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सदर छपरा ने नगर थाना में केस दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश पारित किया है।